दोस्तों, आज आप सबको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल में सबका स्वागत है, चंद्रा सिंपल क्विजाइन वर्ल्ड में। आज हम बना रहे हैं आप सबके लिए मिक्स्ड घुगनी, जिसमें हम आपको सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल, सरसों का तेल डाल रहे हैं। इसके बाद आपको दिखा देते हैं क्या क्या सामग्री है। सामग्री है आज आलू और आपके ये दाने, देसी दाने, प्याज, कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई प्याज, सोया, सोया बड़ी, सोया की बड़ी, और आगे आपका देसी चना और काबली चना और आपके किडनी बीन्स, मतलब राजमा, ये सब डाले जा रहे हैं। और आप इसे बनाइए, मिक्स्ड घुगनी बॉयल बनाइए। और बॉयल हाँ, किया हुआ है। उबला हुआ देसी चना और सारे उबले हुए हैं। और आज इसको बनाइए और घर वालों को खिलाइए और इसका लुत्फ़ उठाइए। और ये पिसी हुई मसाले हैं। अदरक, लहसुन और दालचीनी। फ्रेंड्स, आप चाहे तो और भी कम तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा, प्याज, नमक, प्याज फ्राई होने के लिए, अदरक, लहसुन और दालचीनी, अदरक, लहसुन और दालचीनी, आलू, गरम मसाला, करी पाउडर, हल्दी, लाल सूखी मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी और नमक, सॉल्ट, थोड़ा सा पानी, मैं इसमें टमाटर नहीं डाली, मैं तो इसमें पानी डाली हूँ और मैं टमाटर नहीं डालूंगी, डालूंगी टोमेटो केचप। फ्रेंड्स, आप चाहे तो हरी मिर्च इसमें डाल सकते हैं। अब मैं सोयाबीन, सोया चंक्स को डाल दूंगी, इनको मैं अच्छा से मिला लूंगी। अब मैं ढक के पका लूंगी। अब इसमें उबला हुआ काबुली चने, बूट और मटर, राजमा, ये सब मिला दूंगी। नमक, टोमेटो केचप, मेरा ये डिश बनके तैयार है। आप तो तरह तरह के घुगनी खाए होंगे, तो इस तरह के कभी इस तरह से घर में ट्राई करके देखिएगा। और मैं टमाटर, धनिया के पत्ते कुछ भी नहीं डाली इसमें, मेरे पास वो अभी नहीं था अवेलेबल, तो आप चाहे तो डाल सकती हैं। ऐसे आप घर में बना के देखिएगा, अच्छा लगेगा। जो भी आपके पास घर में इंग्रेडिएंट्स होंगे,
आप उसी से ट्राई करके देखिएगा। अगर आपका मन हो तो मेरा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा डिश बनके तैयार है। मैं इसमें टमाटर, धनिया का पत्ते कुछ भी नहीं डाली हूँ, मेरे पास नहीं था अभी घर में, तो मैं टोमेटो सॉस डाली, टोमेटो केचप। अगर आप ये डिश घर में ट्राई करके देखेंगे तो इसमें आपको अपना मनपसंद चीज़ आप डाल सकते हैं, और जो घर में आपका रहेगा सामान उसी से आप बना सकते हैं। आप तो डिफरेंट टाइप्स का घूगनी बना के खाए होंगे, तो इस तरह से बना के एक बार देखिएगा, अच्छा लगेगा। थोड़ा चटपटा बनेगा टोमेटो केचप डालने से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।